हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हॉरर ट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने इंसीडियस चैप्टर 1 में देखा था कि जॉस अपने बेटे को बचाने के लिए आत्माओं की दुनिया में जाता है और उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। बट एंड में हमें पता चलता है कि आत्माओं की दुनिया में से एक बुरी आत्मा हमारी दुनिया में आकर जॉस के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे जॉस अलीजे का कत्ल कर देता है। नाउ अब इससे आगे की स्टोरी को इंसीडियस चैप्टर 2 में दिखाया गया है। अगर आपने अभी तक इंसीडियस चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देख लें, नहीं तो इस वीडियो को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब बढ़ते हैं सीधा मूवी की स्टोरी की तरफ। तो इंसीडियस चैप्टर 2 मूवी की शुरुआत 1986 में होती है, जहाँ जॉस एक छोटा बच्चा होता है और काल नाम का आदमी जॉस की मॉम लॉरेन को जॉस की कुछ तस्वीरें दिखाता है और उनसे कहता है कि एक बुरी आत्मा जॉस को पोजेस करना चाहती है और वो धीरे धीरे जॉस के करीब आ रही है। फिर काल जॉस की मदद के लिए अपनी एक फ्रेंड अलीजे को बुलाता है, जो कि डिमोनोलॉजिस्ट होती है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी में फंसे हुए लोगों की मदद करती है। ये वही अलीजे होती है जिसके ओल्ड वर्जन को इंसीडियस चैप्टर 1 में दिखाया गया था। फिर अलीजे जॉस को हिप्नोटिज करती है और उसकी मदद से घर में दुष्ट आत्मा का पता लगाती है। वो आत्मा अलीजे को चोट पहुंचाने की भी कोशिश करती है। फिर अलीजे लॉरेन से कहती है कि जॉस के पास एक अनोखी शक्ति है जिसमें जॉस सोते समय आत्माओं की दुनिया से कॉन्टैक्ट कर सकता है और उन्हें देख सकता है, और इसी वजह से वो बुरी आत्मा जॉस को पोजेस करना चाहती है ताकि वो इस दुनिया में आ सके। अलीजे बताती है कि अगर वो जॉस की याददाश्त को मिटा दे तो वो इन सब मुसीबतों से बच सकता है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अलीजे जॉस की उस याददाश्त को हमेशा के लिए मिटा देती है जिसमें वो आत्माओं की दुनिया से कॉन्टैक्ट कर पाता था। फिर मूवी को प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर रेने से अलीजे की मौत की वजह पूछता है। तो रेने उसके साथ हुए सभी हादसों के बारे में उस पुलिस ऑफिसर को बता देती है, बट वो पुलिस ऑफिसर भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता है और रेने से कहता है कि अगर अलीजे के गर्दन पर मिले हाथों के निशान जॉस के हाथों के निशान से मैच हो जाएंगे तो वो जॉस को गिरफ्तार कर लेगा। इतना कहकर वो रेने को छोड़ देता है। फिर जॉस अपनी पूरी फैमिली के साथ उसकी मॉम लॉरेन के घर में शिफ्ट हो जाता है। घर में आते ही फिर से वही सब अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है, जिसे सबसे पहले रेने नोटिस करती है। वो इन सब बातों का जिक्र जॉस से करती है, बट जॉस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें पिछली बातों को भूल जाना चाहिए और नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। फिर उसी रात लॉरेन डेल्टॉन से मिलने जाती है, जहाँ डेल्टॉन नींद में लॉरेन से कहता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, बट लॉरेन को उसके पीछे कोई नहीं दिखता है। फिर वो बाथरूम जाती है, जहां उसे मिरर में वाइट ड्रेस पहनी हुई एक दुष्ट आत्मा दिखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जॉस को इसके बारे में बताती है, बट जॉस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और लॉरेन को भी चुप रहने को बोलता है। दूसरी तरफ अलीजे के दोनों असिस्टेंट एस्पेक्ट्स और टकर को दिखाया जाता है, जो अलीजे के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें अलीजे के रूम में एक वीडियो टेप मिलता है, और वो टेप जॉस के बचपन का था जिसमें अलीजे ने उसकी याददाश्त को मिटाया था। बट एस्पेक्ट्स और टकर उस टेप में देखते हैं कि जॉस के पीछे कोई खड़ा है और वो उससे बातें कर रहा है। फिर हमें रेने को दिखाया जाता है, जो कि घर पर अकेली होती है। तभी उसे पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि अलीजे के गर्दन पर मिले निशान जॉस से मैच नहीं करते हैं। पुलिस ऑफिसर के इतना कहते ही रेने को उसके बेबी कैली के रूम से किसी के गाने की आवाज़ें आती हैं, और जब वो उस रूम में जाने की कोशिश करती है तो वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। फिर रेने किसी तरह उस दरवाजे को खोलती है और वो देखती है कि उसकी बेबी गायब है। फिर उसे लिविंग रूम से उसके बेबी की रोने की आवाज़ आती है, और जैसे ही वो वहाँ जाती है तभी वही सफ़ेद कपड़ों वाली दुष्ट आत्मा रेने पर हमला करती है, जिससे रेने बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जॉस वहाँ आता है और रेने को होश में लाता है। होश में आने के बाद रेने काफ़ी डरी हुई होती है और वो जॉस को तुरंत ही इस घर से जाने को कहती है, बट जॉस रेने की बातों को नहीं मानता है और कहता है कि हम इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं, बस हमें इन सब चीज़ों को इग्नोर करना होगा, और वो किसी तरह रेने को मना लेता है।
फिर हमें लॉरेन को दिखाया जाता है जो मदद के लिए एस्पेक्ट्स और टकर के पास जाती है। वो सभी मिलकर अपने पुराने फ्रेंड काल को बुलाते हैं। फिर काल अपनी वर्ड डाइस की मदद से अलीजे को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, जहां उसे ये हिंट मिलता है कि उसके सभी सवालों का जवाब आवर लेडी ऑफ एंजल हॉस्पिटल में मिलेगा। लॉरेन उन्हें बताती है कि बहुत साल पहले वो इस हॉस्पिटल में काम किया करती थी, बट अब वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है। फिर सभी लोग उस हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां एक आईसीयू रूम में पहुंचने के बाद लॉरेन को उसकी एक पुरानी बात याद आती है और वो बताती है कि एक बार जब वो जॉस के साथ इस रूम में आई थी तो पार्कर क्रेन नाम का एक पेशेंट यहाँ एडमिट था जो अपने आप को नपुंसक बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो बताती है कि उसी दिन पार्कर क्रेन अचानक ही बेवजह जॉस पर हमला कर देता है। फिर इसके कुछ दिन के बाद लॉरेन को पार्कर क्रेन कई बार उसके लिफ्ट में दिखाई देता था। वो इस बात से परेशान थी कि एक आईसीयू पेशेंट इधर उधर कैसे घूम सकता है। वो इस बात की कंप्लेन करने वहाँ के नर्स के पास जाती है, बट वो नर्स उसे बताती है कि दो दिन पहले ही हॉस्पिटल की छत से कूदकर पार्कर क्रेन ने अपनी जान दे दी है। लॉरेन की ये बात सुनकर सभी लोग पार्कर क्रेन के घर जाते हैं, जहां उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें वाइट गाउन में बहुत सारी लड़कियों की लाशें थी। वहां एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस भी था और कुछ आर्टिकल्स भी थे जिसमें लिखा था कि कोई आदमी लड़कियों की तरह ब्लैक वेडिंग ड्रेस पहनकर लड़कियों को किडनैप करता है और फिर उन्हें मार देता है। फिर लॉरेन को उसी घर में एक पेंटिंग भी दिखती है जिसमें वही वाइट ड्रेस वाली लेडी होती है जिसे लॉरेन और रेने ने अपने घर में देखा था। और तभी काल को पता चलता है कि वर्ड डाइस की मदद से अब तक वो लोग अलीजे से नहीं बल्कि इसी वाइट गाउन वाली लेडी से बात कर रहे हैं, और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी पार्कर क्रेन की माँ है। फिर काल उस वेडिंग ड्रेस को छूता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि पार्कर क्रेन ही इस ब्लैक वेडिंग ड्रेस को पहनकर लड़कियों को मारता था। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि 8 साल की उम्र में जॉस को जो दुष्ट आत्मा पॉजेस करना चाहती थी वो पार्कर क्रेन ही था। और फिर हमें यह भी पता चलता है कि जब जॉस डेल्टन को छुड़ाने आत्माओं की दुनिया में गया था तब उसकी आत्मा उधर ही फंस गई थी और पार्कर क्रेन की आत्मा जॉस के शरीर में आ गई थी। मतलब अब तक जो जॉस इनके साथ रह रहा था वो असली जॉस नहीं बल्कि पार्कर क्रेन है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद लॉरेन तुरंत रेने के पास जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। फिर लॉरेन रेने और उसके बच्चों को लेकर उसके दूसरे घर में जाती है। रेने के उस घर से जाने के बाद काल, एस्पेक्ट्स और टकर जॉस से मिलने जाते हैं ताकि वो लोग जॉस को बेहोश कर पार्कर क्रेन की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल सके। बट होता इसका उल्टा ही है। जॉस मतलब पार्कर क्रेन इन तीनों को मारकर बेहोश कर देता है। फिर लॉरेन और रेने रात को घर वापस आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब तक काल ने सब कुछ ठीक कर दिया होगा, बट तभी जॉस लॉरेन और रेने पर हमला कर देता है। फिर वो लॉरेन को एक कमरे में बंद कर देता है और रेने को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी डेल्टन वहां आकर जॉस को पीछे से मारता है। फिर रेने अपने दोनों बेटों के साथ घर के बेसमेंट में छिप जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काल की आत्मा जॉस की मदद के लिए आत्माओं की दुनिया में आ जाती है। फिर वो दोनों मिलकर अलीजे को ढूंढने लगते हैं, जहां इन्हें अलीजे की आत्मा जॉस के पुराने घर में मिलती है। फिर इसके बाद ये तीनों पार्कर क्रेन के घर जाते हैं, जहां इन्हें पार्कर क्रेन का बचपन दिखता है। ये लोग देखते हैं कि पार्कर क्रेन की माँ पार्कर को लड़कियों की ड्रेस पहनाकर उसे डांट रही है और उससे कहती है कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है और उसका नाम पार्कर क्रेन नहीं बल्कि मैरिलिन है। एक्चुअली होता यह है कि पार्कर के फादर बचपन में ही पार्कर और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे, जिससे पार्कर की मॉम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और वो अपने हस्बैंड की दी हुई सभी चीज़ों को हमेशा के लिए बदलना चाहती थी, यहाँ तक कि पार्कर क्रेन के जेंडर को भी। और मरने के बाद भी वो पार्कर क्रेन के साथ जुड़ी रही, जिससे पार्कर लड़कियों का ड्रेस पहनकर उन सभी लड़कियों का खून करता रहा। खैर, तभी पार्कर की माँ इन तीनों को वहाँ देख लेती है और उन सभी पर हमला करती है। फिर पार्कर की माँ जॉस का गला दबाकर मारने की कोशिश करती है, तभी अलीजे पार्कर की माँ को एक चेयर से मार मार कर
बेहद कमज़ोर कर देती है, जिससे वो वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ पार्कर की आत्मा भी बेहद कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि पार्कर की आत्मा उसकी मॉम से जुड़ी हुई थी, और पार्कर क्रेन भी जॉस के शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर अलीजे जॉस और काल को वापस उसके शरीर में जाने को कहती है और खुद उसी दुनिया में रह जाती है, क्योंकि वो मर चुकी थी और वो वापस नहीं जा सकती थी। फिर जॉस और काल अपने अपने शरीर में जाने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा होता है। तभी डेल्टन अपनी मॉम को बताता है कि वो आत्माओं की दुनिया में जा सकता है और जॉस को वापस ला सकता है। फिर डेल्टन नींद में सोकर आत्माओं की दुनिया में जाता है और जॉस और काल को वापस इस दुनिया में लाता है, और फाइनली सभी लोग अपने अपनी बॉडी में पहुंच जाते हैं। फिर जॉस अपनी फैमिली से मिलकर बेहद खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि काल हिप्नोटिज्म की मदद से अगेन जॉस और डेल्टन की उन शक्तियों को भुला देता है जिससे वो आत्माओं की दुनिया से कॉन्टैक्ट कर पाते थे। फिर एंड में हम देखते हैं कि एस्पेक्ट्स और टकर एक फैमिली के घर में जाते हैं, जहां एक लड़की के साथ भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है। तभी वहां एलिजे की आत्मा भी आती है, जिसे कोई नहीं देख पा रहा था, बट उसी घर में एक छोटी लड़की होती है जो उसे देख पा रही थी। फिर एलिजे उस लड़की को देखती है, जहां एलिजे को उस लड़की के पीछे कुछ दिखता है, जिसे देखकर एलिजे ओ माय गॉड कहती है, और ये मूवी इधर ही ख़त्म हो जाती है। अब एलिजे ने उस लड़की के पीछे ऐसा क्या देखा और उस लड़की के साथ क्या हुआ था, ये हमें इंसीडियस चैप्टर 3 में ही पता चलने वाला है। तो दैट्स इट फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।